लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहन कुमारी मायावती या बहुजन मूवमेंट जिसको साहब सिंह दासी राम जी ने शुरू किया था वो आकर रुक गई, वो वैक्यूम क्रिएट हो गया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन जी, भाई सतपाल चौधरी जी को सम्मानित मैं साथियों, मैं और चंद्रशेखर आजाद भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई और मैं क्लासमेट रहे हैं। क्लासमेट समझते हैं कि हमने इकट्ठी पढ़ाई की है, इकट्ठी पढ़ाई की है, और कौन से स्कूल से हमने इकट्ठी पढ़ाई की है, जेल के स्कूल से इकट्ठी पढ़ाई की है। हरियाणा में जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला था जिसमें सरकार ने मुझे सेवन फॉल्सली केसेस में इम्प्लीकेट किया और मुझे जेल में डाल दिया। चार साल में जेल में रहा और मैं और चंद्रशेखर भाई हम लोग चकियों में रहे, जहां अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज चकियां पिसवाया करते थे, वहां जो है हमारी पढ़ाई हुई, वो हमारा क्लासरूम रहा। तो साथियों, जो मूवमेंट साहब सिंह कांसीराम जी ने शुरू की थी, साहब सिंह कांसीराम जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब इंदिरा गांधी ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था, उस परमाणु बम को बनाने में अब्दुल कलाम और उनके साथ डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे साहब सिंह कांसीराम जी का योगदान था। लेकिन दीना भाना जी के ऊपर जब अत्याचार हुआ, माननीय दीना भाना वाल्मीकि साहब के ऊपर जब अत्याचार हुआ, तो साहब सिंह कांसीराम जी ने डीआरडीओ की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसा परमाणु बम बनाएंगे कि जिसका प्रयोग हम करेंगे हमारे दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि अब तक तो हमने परमाणु बम बना बनाकर अपने दुश्मनों को दिया है। उन्होंने डीएस कोर बनाई, बम सेफ बनाई और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में परमाणु बम का परीक्षण किया। बहन कुमारी मायावती को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहन कुमारी मायावती या बहुजन मूवमेंट जिसको साहब सिंह कांसीराम जी ने शुरू किया था वो आकर रुक गई, वो वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो वहां से साहब सिंह कांसीराम जी का झंडा उठाया उस मूवमेंट को, जिस मूवमेंट को मारने की कोशिश मनुवादी शक्तियां कर रही थी, उस मूवमेंट का झंडा जो है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेकर चल रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी अब हाइड्रोजन बम तैयार कर रहे हैं जिसका परीक्षण दिल्ली के लाल किले पर होगा। साथियों, हमने देखा है कि चींटी के पीछे चींटी चलती है, चींटी के पीछे चींटी चलती है। उस चींटी को किसी ने पीएचडी की पढ़ाई नहीं पढ़ाई कि चींटी के पीछे चींटी चलेगी। मकोड़े के पीछे मकोड़ा चलता है, उस मकोड़े ने कहीं एलएलबी की पढ़ाई नहीं की कि मकोड़े के पीछे मकोड़ा चलेगा। हाथी के पीछे हाथी चलता है, चिड़िया के पीछे चिड़िया चलती है, शहरी के पीछे शहरी चलता है, व्यापारी के पीछे व्यापारी चलता है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा बहुजन समाज, हमारा मुसलमान समाज, ये सभी के पीछे चलता है। और सभी के पीछे ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के पीछे चलता है। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, मुसलमान साथियों, किसान कमेरे साथियों, अपने अपने झंडे को उठाकर चले। साहब सिंह कांसीराम जी का झंडा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का झंडा, इस झंडे को उठाकर चले, निश्चित तौर पर जो है हम लोग जीतेंगे। और मोदी ने कहा कि मैं चाय वाला हूँ, नहीं, ये कमल वाले हैं। और कमल की खास बात ये होती है कि जिस कीचड़ से कमल जो है दाना पानी लेता है, जिस कीचड़ से कमल पल्लवित पुष्पित होता है, जिस कीचड़ से कमल ताकत लेता है, अगर उस कीचड़ की एक भी बूंद कमल के फूल के ऊपर आ जाए तो उसे तुरंत छिटक देता है। ये कमल वाले लोग हैं, असली चाय वाले हम हैं, क्योंकि हमारे पास केतली है। इसलिए साथियों, केतली के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएंगे,
और भाई चंद्रशेखर आजाद जी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपको श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखों की सुप्रीम सीट है वहां से सिरोपा भी सिख कौम ने किया है। जथेदार सिंह साहब ने आपको सिरोपा भेंट किया है, जिसका मतलब है कि आपको सिखों में सबसे बड़ा जो है सम्मान दिया गया श्री अकाल तख्त साहिब से, जिस वजह से पूरी सिख कौम आपके साथ खड़ी है। और आपने दिल्ली में जो बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार सरकार कर रही थी, ब्रजभूषण कर रहा था, उसके खिलाफ भी आपने जो है जो झंडा अलंबरदार हुए आप और उस मूवमेंट को लीड किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी जाट कौम जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ी है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे यहाँ पता चला सरदार मान सिंह मंगेरा जी भी इस बात को कहा करते थे कि गंदे पे गंदेरी मिठी, गुड़ पे मीठा राणा, भाई पे भतीजे प्यारे और सबका प्यारा साड़ा। तो इसलिए भाइयों अपने अपने जो रिश्तेदार हैं, जो थड़े साड़े हैं, उन द्वारा फोन करो, अपना फोन बंद हो और अपने साड़ा जो रिश्तेदारी है उसमें फोन करो। आप अपने साड़े द्वारा फोन करोगे, आपका साड़ा अपने साड़े द्वारा फोन करेगा, वो अपने साड़े द्वारा फोन करेगा, तो सारे साड़े एक दूसरे द्वारा फोन करेंगे, पचपन साड़ा जाएगा। तो इसलिए साथियों आखिरी बात, नहीं इससे निकलेगा न उससे निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ऐ वतन की रेत, ऐ वतन की रेत, मुझे एरिया यही रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यही से निकलेगा, मुझे मालूम है पानी यही से निकलेगा।